नमस्कार, मैं रमेश शर्मा जीवन उत्साह न्यूज से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम आज खड़े हैं मेहरे से बिजड़ की तरफ जाने वाले एक रोड पे, जिसका निर्माण कार्य पिछले 2 महीनों से लगातार चल रहा है। निर्माण कार्य किसी भी काम को करने का एक तरक्की का एक आयाम है, और ज़रूरी है कि तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए उसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन काम करने के साथ साथ में उसके ऊपर होने वाले हादसों के बारे में भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो रोड जिस पे हम खड़े हैं, इस पे लगातार बहुत सारे वाहन चलते हुए दिखाई देंगे। हज़ारों की संख्या में पूरे दिन में वाहन गुजरते हैं, और क्योंकि रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियाँ प्रशासन कर रहा है जिनकी वजह से बहुत सारे हादसे होने की गुंजाइश है। ऐसे ही एक बहुत बड़ी समस्या के ऊपर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, और प्रशासन को भी इसके माध्यम से हम अलर्ट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि अगर आपकी लापरवाही की वजह से कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसकी जिम्मेवारी किसको देनी पड़ेगी, कौन है वो व्यक्ति जो इसकी जिम्मेवारी ले सकता है। इस रोड पर स्कूल भी बहुत सारे हैं, उनके बच्चे लगातार जाते हैं, और हर व्यक्ति का एक ये मेन वे है मेहरे से बिजड़ जाने के लिए और बिजड़ से मेहरे जाने के लिए। आसपास में लगभग 50 से ज़्यादा गांव पड़ते हैं, और इन सभी गांवों का ये मेन रास्ता है। तो आज हम आपको दिखाते हैं इस रास्ते पर जो निर्माण कार्य चला हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर SS चौहान कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये काम किया जा रहा है, और इन्होंने ये बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सही ढंग से देखा जाए तो इस बोर्ड को लगाने का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर आदमी काम कर रहे हैं, मतलब आदमियों की काम करने के लिए इस बोर्ड को बताया गया है, किंतु यहाँ पर अभी कोई आदमी काम नहीं कर रहा है। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो इस काम के आसपास में किसी भी तरह का कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है जहाँ पर यह बताया गया हो कि यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण हो रहा है और इस पुलिया के ऊपर कोई खड्डा है, इसलिए सावधानी से चलें। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी हादसा किसी भी समय हो सकता है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप एक बार दिखाएं पहले। ये देखिए, ये जो आप खड्डा देख रहे हैं, ये लगभग 2 महीने से इस पुलिया का निर्माण करते हुए इस खड्डे को अभी तक भरा नहीं गया है, और इस खड्डे की तरफ अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई भी हादसा किसी भी समय हो सकता है। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अगर आप देखें यहाँ पर, ये रोड का पूरा किनारा टूटा हुआ है, और इस रोड पे लगभग 10 फीट की जगह ऐसी है जहाँ पर गाड़ी को निकलने की जगह है। बारिशों का मौसम है, किसी भी समय बारिश की वजह से ये रोड यहाँ से बैठ सकता है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई ना तो प्रिकॉशंस लगाया गया है, ना किसी तरह से कोई ऐसा रास्ता रखा गया है कि जो वाहन आ जा रहे हैं उनको किसी तरह से ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है। मैं चाहूँगा कि आप आगे तक देखें, ये लगभग 80 फुट का ये बड़ा पुलिया बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर किसी भी तरह से कोई भी मिट्टी नहीं भरी गई है, कोई बड़ा हादसा किसी भी समय हो सकता है। मैं चाहूँगा कि एक बार आगे तक ये दिखाया जाए, किसी तरह का कोई नोटिस, किसी तरह की कोई सूचना यहाँ पर नहीं दी गई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा हादसा होने की एक वजह बन सकती है, क्योंकि नियमों के अनुसार अगर कहीं पर आप इस तरह का कोई कार्य करते हैं तो उसके आसपास में लोगों को जागरूक करना बहुत आवश्यक है, लोगों को इंस्ट्रक्शन गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर एक गहरा खड्डा है। ये जो कंपनी SS चौहान कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं लगाया है कि यहाँ पर एक गहरा खड्डा है। आप देख सकते हैं प्रशासन कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर करने जा रहा है। आसपास के स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आते हैं, बसें भर के आती हैं, और पूरा दिन इस रोड पे ट्रैफिक आप देख सकते हैं, अभी हमारे 5 मिनट के खड़े होते ही लगभग 20 से ज़्यादा वाहन इस रोड से गुजर चुके हैं। तो मैं प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के हादसों को होने से पहले उसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, और पब्लिक की सुरक्षा के लिए प्रशासन की जिम्मेवारी होनी चाहिए, ताकि सभी लोग इस देश में जो प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं चाहते हैं वो सारी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक तीखा मोड़ रोड पे आप देख रहे हैं,
इस तीखे रोड के ऊपर गाड़ी स्पीड से आती है और कई बार ऐसा मौसम होता है, रात का समय हो सकता है, कि यहाँ पर कोई भी बस वाला या कोई गाड़ी वाला किसी कारण से अगर ब्रेक नहीं लगा पाया या उस सावधानी नहीं हो तो इस गहरे खड्डे में वो गिर सकता है। तो आप देख सकते हैं प्रशासन द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही, और जिस कंपनी द्वारा ये काम किया जा रहा है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि इस तरफ ध्यान दे और इस खड्डे को सबसे पहले भरे, क्योंकि रोड का कार्य तो अभी बहुत लंबा चलेगा। इस रोड को लगभग 12 किलोमीटर को बनाने में काफी समय लगेगा, जो कि आज हम आपको दिखाएंगे कि पीछे वो कार्य चल रहा है। किंतु जब तक कार्य नहीं होता है तब तक इस खड्डे को क्या ऐसे ही रखा जाएगा, क्या इस तरह से रखा जाना उचित है, ये प्रशासन बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हैं गहरा बोर्ड यहाँ पर है और क्योंकि ढलान साथ में है और उस तरफ से भी बोर्ड है, तो दोनों गाड़ियां इधर से और इधर से आकर किसी भी तरह से कई बार आपस में नुकसान करने का या किसी तरह का कोई नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इस रोड पर माननीय सांसद मौर्य अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसका भूमि पूजन किया था और लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस रोड को बनते हुए। और इसी रोड की व्यवस्था के रूप में हम आपको दिखा रहे थे, जो पुलिया आप देख रहे हैं टूटी हुई है और जहाँ पर कोई भी हादसा हो सकता है इसी रोड से संबंधित पुस्ता है। तो हमारा मकसद था आपको दिखाना कि ये निर्माण कार्य जारी है और इस वजह से ये पुलिया भी बनाई जा रही हैं, लेकिन इन पुलिया के बनाए जाने का अर्थ ये नहीं है कि उनको खुला छोड़ दिया जाए और उसके ऊपर किसी हादसे को निमंत्रण दिया जाए। कैमरामैन संजीव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जीवन सा न्यूज़।